हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए जो प्रॉपर्टी लेकर के आया हूँ वो सच में एक लाजवाब सी प्रॉपर्टी होने वाली है, क्योंकि जो कि जयपुर शहर की एक प्राइम लोकेशन पर लोकेटेड है। आपने राजस्थान के अंदर एक सबसे बड़ा मॉल बन रहा है वो कैपिटल गैलरी है, उसके जस्ट पास में ये प्रॉपर्टी होने वाली है। यानी कि 100 मीटर हम लोग कह सकते हैं, एक तो राजस्थान का सबसे बड़ा मॉल और उसके पास में एक खूबसूरत सी प्यारी सी प्रॉपर्टी जो कि 121 गज के अंदर बनी हुई है। और फेसिंग की बात करूँ तो वेस्ट फेसिंग की प्रॉपर्टी है, 17.5x62 के डायमेंशन में बनी हुई है, JDA अप्रूव्ड है। और आपको एलिवेशन दिखाऊंगा बाहर से, अभी हमारे पास 4 यूनिट अभी बची हुई है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कॉल कीजिए, मैं आपको एलिवेशन दिखाते हुए फिर से अंदर की तरफ लेकर के आऊँगा। 3BHK ये प्रॉपर्टी है, बहुत प्यारी खूबसूरत जो है प्रॉपर्टी होने वाली है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको अंदर की साइड में ये डिज़ाइन मिल जाता है। तो चलिए देख लेते हैं पहले इसका फ्रंट एलिवेशन, तो आ जाइए। तो हम लोग आ गए हैं फ्रंट एलिवेशन की, और देखिए कितने प्यारे से और खूबसूरत से फ्रंट एलिवेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे व्यूवर ये बोल रहे थे कि हमें मेन रोड से पास में एक प्रॉपर्टी दिखाइए और जयपुर की प्राइम लोकेशन पर होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सामने की साइड में सिरसी रोड है, और यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कैपिटल गैलरिया कितनी पास में, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे, मैं कह सकता हूँ वॉकिंग डिस्टेंस पे ये प्रॉपर्टी होने वाली है जो कि कैपिटल गैलरिया से है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये 7 स्क्रीन यहाँ पर जो है थिएटर आने वाला है, और बात की जाए यहाँ पर रिलायंस, बहुत जल्दी यहाँ पर रिलायंस राइज भी खुलने वाला है, और मेन रोड से जो इसकी डिस्टेंस है वो बहुत पास में है। तो सारी ही आपको जितनी भी एमिनिटीज़ है वो बहुत ही नियरेस्ट मिल जाती है। और बात करूँ लोकल ट्रांसपोर्ट की, तो लोकल ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। फ्रंट एलिवेशन एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत प्यारा खूबसूरत सा फ्रंट एलिवेशन है, 17.5 का फ्रंट है, तो ईजिली आपकी बड़ी से बड़ी कार तो आप आराम से यहाँ पर पार्क कर पाएंगे। जो बर्म का एरिया है वो भी आप देख रहे हैं, काफ़ी स्पेशियस साइज़ में बर्म का एरिया आपको मिल जाता है। यहाँ पर आ जाता है मेन एंट्रेंस पे डोर जो कि कुछ इस तरीके का आपको मिल रहा है। पास में ही अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए कितना बढ़िया स्पेस आपको मिल जाता है यहाँ पर कार पार्किंग के लिए। यहाँ पर आपको वाटर टैंक प्रोविज़न दिया गया है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पर जो प्राइस होने वाला है इस विला का, 1,11,00,000 रुपये इसका प्राइस होने वाला है। देखिए ऑन टेबल रहेगा, निगोशियेबल, जब भी आप आएंगे मान सम्मान में कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर से जो है कम किया जाएगा। यहाँ पर कुछ मेन एंट्रेंस पर कुछ इस तरीके का डोर आपको मिल जाता है जो कि वायर मेश डोर आपको दिया गया है, और यहाँ से हो जाती है इसकी एंट्री। एंट्रेंस में आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको डोर है, तो ये आ जाता है इसका मेन एंट्रेंस। एंट्रेंस आप देखिए कितना प्यारा है, एंट्रेंस पे ही आपको मिल जाता है यहाँ पर इसका सिटिंग अरेंजमेंट जो कि इस तरफ आप देख पा रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के लिए यहाँ पर सोफा आपको अरेंज करके दिया गया है जो कि इसका लिविंग एरिया है, और देखिए साइज़ काफ़ी अच्छा यहाँ पर भी दिया गया है। सेंटर टेबल यहाँ पर आपको मिल जाती है। ऊपर की साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको फुल सीलिंग का वर्क दिया गया है, जहाँ पर आपको देखिए कॉप लाइट, कंसील लाइट वगैरह लगा करके दी गई है। इस वाली वॉल पे देखिए यहाँ पर कुछ डेकोरेटिव सा ये आपको लगा करके दिया गया है फ्रेम, और बहुत प्यारा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। देखिए यहाँ से हम लोग जैसे ही आगे की तरफ चलते हैं तो डाइनिंग एरिया यहाँ पर आपको दिया गया है, तो देख लेते हैं हम लोग इसका डाइनिंग एरिया कैसा होने वाला है। ये आ जाता है इसका डाइनिंग एरिया जो कि यहाँ पर 6 सीटर डाइनिंग एरिया आपको अवेलेबल करवाया गया है। सामने की साइड में यहाँ पर LED पैनल है, और एक बड़ा सा LED आपको लगा करके दिया गया है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो फुल सीलिंग का जो वर्क है वो भी बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा मिल जाता है। इस वॉल के ऊपर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर आपको हॉर्स की देखिए कितनी प्यारी सी 7 हॉर्स की फोटोज़ यहाँ पर आपको फ्रेम में लगा करके दी गई है। और जस्ट इसके सामने की तरफ यहाँ पर देखेंगे तो स्टेयर्स का नीचे का जो पार्टीशन है उसे पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करते हुए यहाँ पर कुछ फोटो फ्रेम्स और कुछ डेकोरेटिव आइटम लगा करके दिए गए हैं, जिससे कि इसकी खूबसूरती और ज़्यादा एनहांस हो रही है। यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी आपको कुछ डेकोरेटिव आइटम लगा करके दिए गए हैं। प्राइस जो इसका होने वाला है वो 1,11,00,000 रुपये होने वाला है। कैपिटल गैलरिया राजस्थान का सबसे बड़ा मॉल, उससे वॉकिंग डिस्टेंस पे यानी कि 100 मीटर के डिस्टेंस पे है, सिरसी रोड से मात्र और मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। 17.5x62 के डायमेंशन में प्रॉपर्टी बनी हुई है। यहाँ से हम लोग जैसे एंटर करते हैं किचन के अंदर, तो किचन का साइज़ भी काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर देखिए एल शेप में किचन है, काउंटर टॉप ग्रेनाइट के वर्क के साथ में, नीचे के साइड में प्रॉपर स्पेस, यहाँ पर विंडो का स्पेस है, और बीच में आपको मिल जाती है ये चिमनी। यहाँ पर जितनी भी आपको जो है सैनिटरी लगा करके दी गई है वो सारी की सारी आपको ब्रांडेड है। ऊपर की साइड में प्रॉपर कैबिनेट्स हैं, नीचे ड्रॉर्स हैं, तो किचन से रिलेवेंट सामान आप इजीली रख पाएंगे। यहाँ पर देखिए ये मिल जाता है स्पेस जहाँ पर आप अपना फ्रिज वगैरह इजीली इंस्टॉल कर पाएंगे, तो ये ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। फ्रिज वगैरह बाहर रखना हो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस वाली वॉल पे देखिए पूरे पे वॉलपेपर कुछ फोटो फ्रेम्स हैं, जिससे कि इसकी खूबसूरती और ज़्यादा निखर करके आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मिल जाता है आपको वॉश बेसिन, और पास में ही आपको यहाँ पर मिल जाता है मिरर, और ये देखिए लाइटिंग के साथ में ही आपको मिल रहा है। पास में ही यहाँ पर आपको मिल जाता है ये इसका जो है अटैच और कॉमन बाथरूम जो कि इस तरफ आपको दिया गया है, जो कि वेस्टर्न शीट के साथ में आपको मिल रहा है। तो ये देखिए स्पेस काफ़ी अच्छा है। यहीं से होते हुए मैं आपको लेकर के आता हूँ उसके बेडरूम की ओर, जो कि बेडरूम का साइज़ काफ़ी स्पेशियस आपको मिल रहा है। ये देखिए कितना बड़ा साइज़ यहाँ पर आपको इसके बेडरूम का मिल जाता है। सामने की इस तरफ देखेंगे तो बेड के हेड पे प्यारा सा वर्क है जो कि कुशन वर्क है। पीछे के साइड में कोल्टिंग वर्क आपको दिया गया है, और जस्ट उसके ऊपर की साइड में फुल सीलिंग का वर्क आपको मिल जाता है जो कि यहाँ पर कॉप लाइट, कंसील लाइट लगा करके दी गई है। इस तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखिए ये वार्डरोब है, और उस तरफ में आपको मिल जाता है उसका ड्रेसिंग एरिया। यहाँ पर आपको AC वगैरह सब कुछ फिट करके दिया गया है, और इस साइड में मिल जाता है इसका बैकयार्ड का
एरिया जो कि इस तरफ आपको दिया गया है। देखिए बैकयार्ड का एरिया भी काफ़ी स्पेशियस आपको मिल रहा है, तो आप जहाँ चाहें कपड़े वगैरह या वॉशिंग मशीन वगैरह रखना तो वो चीज़ यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो ये तो आपने देखिए इसका पूरा ग्राउंड फ्लोर, अभी मैं आपको लेकर के चलूँगा इसके फर्स्ट फ्लोर पर और वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये फर्स्ट फ्लोर से बना हुआ है। तो आ जाइए चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर, प्राइस मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन देखिए अगर आप चाहते हैं अधिक जानकारी लेना तो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ जाकर के डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं और फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए हम देखेंगे यहाँ से इसका पहला जो फर्स्ट फ्लोर पर है पहला बेडरूम, तो यहाँ से हम लोग पहले ये बेडरूम देखते हुए चलते हैं, फिर मैं आपको लेकर के चलूँगा इसके सेकंड बेडरूम की ओर। तो आ जाइए देखते हैं इसका सेकंड बेडरूम और फर्स्ट फ्लोर का पहला बेडरूम। सामने की साइड में आप देखिए बेड के हेड पे बहुत प्यारा खूबसूरत वर्क है, आपको यहाँ पर देखिए बेड जो है मिल जाता है, ये सारे के सारे हाइड्रोलिक बेड्स हैं। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कैसा ये आपको मिलने वाला है। ये देखिए कि सारे के सारे आपको हाइड्रोलिक बेड्स मिल जाते हैं, कोई सामान वगैरह रखना हो तो ईजिली आप रख पाएंगे। यहाँ पर देखिए ये बैकयार्ड का एरिया है इस साइड में, और इस तरफ में आपको फिर से ड्रेसिंग एरिया, और यहाँ पर आपको वार्डरोर है, इस साइड में अटैच बाथरूम है। देखिए जितनी भी फिटिंग्स यहाँ पर आपको दी गई है सारी की सारी ब्रांडेड हैं, और वेंटिलेशन का स्पेस भी आपको मिल रहा है। तीसरा बेडरूम मैं आपको दिखाऊंगा, और साथ ही इसके साथ में एक एडवांटेज आपको ये मिल रहा है कि ऊपर की तरफ में जो आपको बना करके दिया है एक छोटा सा हट बना करके दिया गया है, तो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऊपर के साइड में देखिए फुल सीलिंग का वर्क, और यहाँ पर आ जाता है ये इसका जो है ये देखिए तीसरा बेडरूम। बेडरूम का साइज़ यहाँ पर भी स्पेशियस है, सामने की साइड में विंडो है, इस साइड में देखिए यहाँ पर आ जाता है इसका वार्डरोब का स्पेस और ड्रेसिंग एरिया। तो यहाँ पर आपको वार्डरोब दी गई है, सामने की तरफ उस साइड में आपको ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है, इस साइड में बाथरूम है, तो बाथरूम भी आप देख लीजिए, बाथरूम भी काफ़ी स्पेशियस है, और यहाँ पर मिल जाती है बालकनी जो कि काफ़ी स्पेशियस साइज़ में आपको बालकनी भी अवेलेबल करवाई गई है। यहाँ पर भी देख लीजिए ये काफ़ी अच्छा स्पेशियस साइज़ आपको मिल रहा है। आसपास की कॉलोनी का एरिया भी देख लीजिए कैसा होने वाला है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का सबसे बड़ा मॉल जो कि कैपिटल गैलेरिया है वो सामने की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, एक बार दिखाइए वहाँ पे दिखाइए, ये देखिए कैपिटल गैलेरिया कितना पास में है, मेन रोड यहाँ से बहुत ही जो है पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे होने वाली है। और चाहते हैं अगर परचेज करना या विजिट करना तो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ जाकर के डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। अभी मैं लेकर के चल रहा हूँ इसके सेकंड फ्लोर पर और दिखाऊंगा वहाँ से ये कैसा बना हुआ है। तो आ जाइए देख लेते हैं इसका सेकंड फ्लोर, और ऊपर बड़ा सा हॉल आपको दिया गया है। और वीडियो अगर पसंद आती है वीडियो को ज़रूर से लाइक शेयर किया कीजिए, क्योंकि देखिए हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए इसके अगेंस्ट में, सिर्फ वीडियो को लाइक शेयर किया कीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हॉल मिल जाता है, सामने की साइड में शिल्डलेयर आपको लगा करके दिया गया है प्यारा सा, और आगे की साइड में ये छोटा सा एक रूफटॉप गार्डन डेवलप करके दिया है। ये देखिए कितना स्पेशियस साइज़ में बढ़िया आपको जो है सिटिंग अरेंजमेंट है, शाम के समय अपनी फैमिली के साथ में अपना वैल्यूबल टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाइए कुछ पार्टी वगैरह रख रहे हैं आप, तो ये देखिए ऊपर की साइड में कुछ हट का भी आनंद आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये आ जाता है इसका कुछ इस तरीके से ये हट बना करके दिया गया है, बहुत प्यारा खूबसूरत लग रहा है। तो आज जो मैंने आपको प्रॉपर्टी दिखाई, ये प्रॉपर्टी जो है 121 गज के अंदर बनी हुई है, और साथ ही प्राइस की अगर मैं बात करूँ प्राइस होने वाला है 1,11,00,000 रुपये, 17x62 के डायमेंशन में है, सिरसी रोड पर है, राजस्थान का सबसे बड़ा मॉल जो है कैपिटल गैलेरिया उससे बहुत ही पास में ये प्रॉपर्टी होने वाली है। देखिए अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सिरसी रोड जयपुर शहर के अंदर ये लोकेटेड है। अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।